मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं परदेश के मौसम को लेकर आपको बड़ी अपडेट दूंगा। राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान करीब 13 जिलों में 3 इंच से अधिक बारिश हुई है और राहत की बात यह है इस सीजन में पहली बार बिसलपुर बांध में भी पानी की आवक हुई है। आज सुबह भी नागौर सीकर बीकानेर के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है और यह जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सुबह 5:30 बजे का है। आपको बता दूं देर रात और आज सुबह श्रीमाधोपुर कुचामन मकराना किशनगढ़ रेनवाल सांभर बज्जू डूंगरगढ़ बारन रूपनगढ़ में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। जोधपुर में भी कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनको अभी भी बारिश का इंतजार है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्री मानसून की ऐसी बरसात 21 जून तक राज्य के कई हिस्सों में जारी रहेगी। बीकानेर अजमेर जयपुर और आसपास के जिलों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है जबकि भरतपुर कोटा जोधपुर जिलों के आसपास कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अभी हाल ही में जो नया फोरकास्ट जारी किया है उसके हिसाब से 21 जून को बीकानेर संभाग के गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू जिले में एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। नागौर के भी कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है और 21 जून को भी बारिश की संभावना है लेकिन 22 जून से प्रदेश में बारिश का दौर धीमा पड़ जाएगा। 23 जून से प्रदेश के लगभग हिस्सों का मौसम है वो साफ रह सकता है। हालांकि राहत की बात यह भी है इसी सप्ताह के अंत में प्रदेश में मानसून भी दस्तक देने के आसार बने हुए हैं। हालांकि कल भी प्री मानसून की बारिश का असर पश्चिमी राजस्थान में कम ही रहेगा जैसे जोधपुर संभाग के जिले बाड़ जैसलमेर जालोर पाली लेकिन बीकानेर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और पूर्वी राजस्थान के भी कई जिलों में भारी बारिश के स्पेल देखे जा सकते हैं। यानी कि चूरू श्री गंगानगर नागौर हनुमानगढ़ सीकर जयपुर यहां पर प्री मानसून का दौर अभी जारी रहेगा लेकिन 22 जून के बाद एक बार के लिए पूरे राजस्थान में मौसम मुख्यतः साफ होने लगेगा। हालांकि उसके बाद जैसे ही मानसून दस्तक देगा तो पूर्वी राजस्थान मौसम एक बार फिर बारिश वाला हो जाएगा लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लोगों को बारिश के अगले स्पेल के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। आगे जो भी मौसम विभाग से कोई नई जानकारी आती है तो उसकी अपडेट भी आप तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल यही थी आज की बड़ी अपडेट, बाकी मिलेंगे कल सुबह वाले वीडियो में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।